अबे अपना ना फॉरेन गिरी ना अपना बाहर छोड़ के आना। करेला, भिंडी मसाला, बैगन मसाला, साग का भुजिया, पुदीना का चटनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्योंकि यही बेस्ट पार्ट है। इसको ऐसे पकड़ना है, मतलब आपके पेट को इतना ठंडा कर देगा ना। सब कुछ मिला के टोटल 12-13 आइटम्स हो रहे हैं विद पखाड़ा। तुमने चले मेरे नजर में आया ना, गला घूर पक्का बता रही। सो गाइज, अगर आप ये वीडियो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यूपी, बिहार कहीं से भी देख रहे हो तो गाइज वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं आपको कि आपके मुंह में पानी आने वाला है। तो गाइज हम आके पहुंचे हैं बड़ा सिंगा रेस्टोरेंट पे, जो कि उदित नगर अम्बेडकर चौक में आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। सूट बूट पहन कर आ गया देखो वो खाने के लिए, क्योंकि आज जो आइटम हम खाने वाले हैं ना, सुपरस्टार बोल सकते हैं उसको सारे फूड आइटम्स के। तो गाइस जिस आइटम के बारे में हम बात कर रहे थे अब तक, वो है पखाड़ो। तो जितने भी लोग उड़ीसा से हैं उनको तो समझ में आ गया होगा कि हर घर में पखाड़ो कितना फेमस है। और इस आइटम की पॉपुलैरिटी इतना है, मार्च 20 को इंटरनेशनल पखाड़ो दिवस मनाया जाता है। आपने किसी दूसरे आइटम के लिए सुना था, बिरयानी दिवस, मंचूरियन दिवस? पखाड़ो ना सिर्फ एक तरह का नहीं होता है, सोजा पखाड़ो, बासी पखाड़ो, छुनका पखाड़ो, जीरा पखाड़ो, दही पखाड़ा। आज हम लोग खाने वाले हैं छुंको पखाड़ा। ये आ गया हम लोग का छुंको पखाड़ा, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। मतलब कि भैया ये एक के लिए, एक थाली पूरा, एक आदमी के लिए? मेरे को लगा दो आदमी के लिए सच। तो मेरा भी आ गया यार, ऐसा कुछ नहीं कि तू अकेले खाएगी, मेरा भी रेडी हो चुका है उधर। तो चलो अभी भैया से पूछते हैं कि सारे आइटम्स क्या क्या है, वो खुद अपने मुंह से बताएंगे। करेला, भिंडी मसाला, बैगन मसाला, कुटल मसाला, साग का भुजिया, पुदीना का चटनी, भुजिया, बड़ी चूड़ा, बैगन का चटनी, फुलकुप का भुजिया, आलू का चटनी, चिप्स, पापड़। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइस ये देख रहे हो, आपको नॉर्मल चावल नहीं है ये, इस पे भी बहुत सारी कारीगरी की गई है। अभी मेरी बहन बताएगी ये कैसे तैयार हुआ है, कुछ आइडिया है तुझे? एक्चुअली ये ना सोजा पखाड़ा है, सोजा पखाड़ा मतलब फ्रेश राइस। तो इसमें ना उन्होंने दही डाला है, छौंक उन्होंने लगाया अच्छा सा, और ऐसे ककड़ी, गाजर ये सब भी डाला गया है। अभी कैमरा मेरे मुंह से हटा और मुझे खाने दे। तो गाइस फाइनली वो घड़ी आ गया और मैं पहली बार जिंदगी में बाहर कहीं होटल में पखाड़ो खा रहा हूँ। और लेट्स स्टार्ट द गेम। वाह 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 वाह। अबे अपना ना फॉरेन गिरी ना अपना बाहर छोड़ के आना, पखाड़ा ये चम्मच वगैरह से नहीं खाते हैं गधा। अबे पागल, होटल लोग देख रहे हैं इसलिए मैंने चम्मच यूज किया था। वो लोग को भी पता है कि पखाड़ा ऐसे नहीं खाया जाता है। आया बड़ा चम्मच निकाल, ऑब्वियसली आया बड़ा फॉरेन गिरी। तो गाइस पखाड़ा खाने का असली मजा जो है ना, हाथ के साथ आता है। यो गाइस, ओ मैं बोल भी नहीं सकता यार कितना। उसको पहले अच्छे से मिला भाई। अच्छा मिलाना पड़ता है क्या? ओ माय गॉड, दही वही, मतलब ये खाने के बाद ना गाइस आपका पेट इतना ठंडा हो जाएगा ना, मजा आ जाएगा, एकदम मेडिसिन के जैसा काम आएगा रे। तो गाइस अभी हम इस पे नमक डालेंगे तो क्या ना मजा और दुगना हो जाएगा। यस, अब सही से इसको मिलाएंगे गाइस। ओ माय गॉड, पहला निवाला मेरे मुंह पे जाएगा। ओ ए भगवान, दोस्तों तो बोलते हैं ना कि ना खाने के बाद ना एक नशा जैसा होता है, ये खाने के बाद आप देखना इतना भयंकर नींद आएगा आपको, कड़कड़ाती धूप में बाहर घूम रहे हो, यहाँ आके पखाड़ा खा दिए, घर जाके मस्त एकदम 3-4 घंटे की ऐसी नींद आएगी ना, स्वर्ग जैसा फील आएगा। गाइस ट्राई करके देखना, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या सच बोल रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ पखाड़ा को सोच के आया था इधर, लेकिन जो आइटम दिख रहे हो ना भाई, ये सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है यार। अरे गिन भी नहीं पाओगे क्या क्या आइटम मेरे भाई, खाते जाओ मस्त। कड़ी, मतलब आपके पेट को इतना ठंडा कर देगा ना भाई। तू ऐसे खा रहा था ना, पखाल ऐसे खाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा साग, थोड़ा सा आलू चोखा, ऐसे खाते हैं पखाल भात। तेरे को एक बात पता है, और एक बेस्ट पार्ट, सारा आइटम ना बिना प्याज लहसुन का है। अरे वाह सही है रे। और सबसे और एक बेस्ट पार्ट, 110 में ना इतना अवेलेबल हो रहा है, इतना कुछ। तो गाइज अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि पूरा चावल खत्म करने के बाद ये, इसको ना फेंकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसको ऐसे पकड़ना है
क्योंकि यही बेस्ट पार्ट है। अब तू भी पी के दिखा। इसके आगे ना कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं टिकेगा सही में। ओए होए 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 होए, ये सिर्फ बड़ो सिंगर रेस्टोरेंट पे ही मिलता है पखाड़ा, और मैं चाहूंगा आप लोग आके एक बार ट्राई करिए और हमें याद करिएगा पक्का, मुझे पता है। उड़ीसा के बाहर जितने भी सारे उड़िया लोग हैं ना, ये वीडियो देखने के बाद ना उनको पक्का याद आएगा हमारे उड़ीसा की। पहले तो आपके मुंह में पानी आएगा ये सब याद करके, और वो भागे भागे आएंगे देखना। तो गाइस आप लोगों के बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब वीडियो देखते हो ना तो वीडियो देखते वक्त लाइक का बटन प्लीज प्लेस कर दो ना। लाइक का बटन अगर प्रेस करोगे ना हमें फायदा हो जाएगा यार, वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगा और लोगों को दिखेगा हमारे वीडियोस। चलो गाइस अभी हम जाके घर में जाके बहुत एक मस्त सा एक नींद लेंगे और पखाड़ो खा के जो मजा आया भाई बड़ा सिंगार में भी थोड़ा बहुत निकल रहा है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखे और हमेशा याद रखे सुनो सबकी, करो अपने दिल की सारंगे हो। भैया बस एक छोटा सा फीडबैक देना चाहते हो, पखाड़ खाने के बाद ना आपके यहाँ पे इतना सारा जगह है, अगर एक खटिया का और पिल्लो का भी अरेंजमेंट हो जाए ना मजा आ जाएगा। पखाड़ खाने के बाद जो नींद आ रही है ना, थोड़ा इधर एक घंटा सो के भी चल जाएंगे। नहीं भाई सच्ची बोल रहे हैं ना, अच्छा फीडबैक दिया ना मैंने। खाने नहीं आता है बेचारे को पखाड़ा, मारो बे इसको, सब उड़िया लोग मिल के ना इसको कूटेंगे।